वेलकम टू बेकन बंस एकेडमी। आज हम जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ सोया मटर कीमा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ अभी ठंड का टाइम है तो आप प्लीज़ इसकी क्लास लीजिए या इसकी रेसिपी शेयर करिए। तो हम जो है आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हमें चाहिए ऑयल लेंगे, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑयल डाल देंगे अपना, और इसमें हम जो अपने खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें है हमारा बेली, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, और इसको होने देते हैं तब तक होने देंगे जब तक इसका फ्लेवर जो है ऑयल में इन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करना आपको, लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। चॉप्ड अनियन डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको पिंकिश होने तक हमें फ्राई करना है। आप देख रहे हैं ये पिंक हो चुका है। अब इसमें हमारा जो है चॉप्ड जिंजर डाल देंगे इसके अंदर, इसको भी थोड़ा फ्राई होने देते हैं। अब इसमें हम जो है चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। चॉप्ड टमाटोज डाल देंगे, सॉफ्ट होने तक इसे जो है अच्छे से हम पकाएंगे। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों हैं इसके अंदर। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जो कुटी हुई मिर्च है वो डाल सकते हैं और कश्मीरी मिर्च आप डाल सकते हैं, ठीक है। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। पानी इसलिए हम डालते हैं ताकि जो मसाले हैं हमारे वो जले ना। तो जैसे मैंने पहले भी रेसिपी के साथ शेयर करा था कि आप जब भी यूज़ करें गर्म पानी ही यूज़ करें, ठीक है, ताकि इसको सॉफ्ट ना लगे, ठीक है। तो गर्म पानी ही यूज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो आप देख रहे हैं ये जो है मसाले हमारे अच्छे से पक जाने के बाद जो ऑयल है वो बाहर निकल आएगा, ऊपर निकल आएगा, ठीक है, जिसे रोगन बोलते हैं। ये तब तक हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, अच्छे से जो है मसाला भून लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे जो है मटर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से जो है भून लेंगे मसाले के साथ। तो आप देख रहे हैं हमारा ऑयल जो है बाहर निकल आया है, रोगन जो हमारा। अब इसमें जो हमारा सोया कीमा है वो हम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करेंगे और इसको भी अच्छे से भुनेंगे जब तक ऑयल जो है हमारे बाहर ना निकल आए, तब तक इसको अच्छे से जो है आप 2 to 5 मिनट इसे जो है अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। तो अब इसमें जो है हमें जितना पानी डालना है ढकने के लिए, ठीक है, इसको ढक के हम पकाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर लेंगे अपना, सेम गर्म पानी जो है वो डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा जिंजर जूलियंस है वो ऐड कर देंगे और ग्रीन चिलीज जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए सिम में रख देंगे जब तक ऑयल जो है ऊज आउट ना हो जाए और अच्छे से पक जाएगा, कलर हमारा निकल आएगा। तो हम तब तक इसको जो है 5 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं। तो ये ढक्कन हमारा जो है, तो ये लीड हटा देंगे हम, 5 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो बाहर निकल आया है। थोड़ी देर जो है हम इसे थोड़ा सा जो है ओपन जो है कुक करेंगे 1 to 2 मिनट ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हट जाए बहुत। तो आप देख रहे हैं इसे जो है हमारा जो है मॉइस्चर इसका जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इसमें जो है अपना कसूरी मेथी ऐड ऑन कर लेंगे, धनिया ऐड कर लेंगे, ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है, मिक्स करेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा। अब इसे जो है हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रेडी है हमारा सोया मटर कीमा। आप इसे पाव के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है और विंटर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।